आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि प्रश्न में यहाँ पर हमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से सही कथन को यहाँ पर पहचानिए। ठीक है, यहाँ पर हमें चार कथन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी, चार विकल्प के तौर पे। हमें बताने कि इनमें से कौन सा कथन जो है ये हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सही कथन की हमें यहाँ पर क्या करनी है, पहचान करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें कथन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि निकिल के लिए वाष्प प्रावस्था शोधन वान आर्केल विधि के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, पहला जो हमें कथन दिया गया है, यह कथन क्या है दोस्तों, यह कथन हमारा गलत है। ठीक है, असत्य है। यहाँ पर हम दोस्तों वान आर्केल विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी हमें यहाँ पर निकिल का वाष्प प्रावस्था मतलब कि शोधन जो करना होता है, ठीक है, शुद्ध हमें निकिल प्राप्त करना होता है, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम अशुद्ध निकिल को हम क्या करते हैं, हम इसे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब हमें क्या मिलता है, यहाँ पर निकिल CO, यहाँ पर निकिल ब्रैकेट में CO, इसकी चार मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होती है। अब हम इसे पुनः 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब यहाँ से हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बाहर निकल जाता है और हमें यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर हमें शुद्ध निकिल जो है वो प्राप्त होता है। तो इस विधि को हम यहाँ पर प्रयोग में लेते हैं। तो पहला वाला तो हमें असत्य दिया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर बोला गया कि कच्चे लोहे का विभिन्न आकारों में ढाला जाता है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यह जो कथन दिया गया है यह क्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो हमारा कच्चा लोहा होता है दोस्तों, इसे हम पिघलाकर क्या करते हैं, किसी भी आकार में आसानी से ढाल सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है ये हमें यहाँ पर सत्य दिया गया है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, बिल्कुल सही कथन है, सही विकल्प भी होगा हमारा। बोला गया है पिटवा लोहा में 4% कार्बन वाला अशुद्ध लोहा होता है, ये बोला गया है, जबकि हम जानते हैं कि जो हमारा पिटवा लोहा है इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, 0.2 से लेके 0.5, तो यह भी कथन हमारा क्या है, असत्य है। ठीक है, फफोलेदार तांबा CO2 के निगास के कारण फफोलेदार लगता है, ये बोला गया है, जबकि दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फफोलेदार SO2 के कारण हमारा क्या है, SO2 के कारण जो है यह क्या होता है, तांबे में फफोले लगते हैं, तो यह भी कथन गलत दिया गया है, तो यह भी ऑप्शन हमारा गलत होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लासिक्स से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।